हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त जादू सरकार और टेक्निकल जेस में आप सभी लोग का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत दिन बाद आप लोगों को वीडियो मिल रहा है, काफ़ी दिन बाद आप लोगों से बातें कर रहा हूं। और उसका रीज़न तो आप सभी लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट की तरफ से 21 दिन के लिए पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है और ये ज़रूरी भी है। और इसके लिए जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे आप ई कॉमर्स साइट की बात कर लो, तो सभी प्लेटफॉर्म अभी बंद हो चुका है क्योंकि अभी उसमें से कोई ऑफर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आप लोगों से वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करूंगा। उसी के साथ दोस्तों कुछ अच्छे ऑफर भी लेके आया हूं, और अगर आप इस ऑफर को अप्लाई करोगे तो थोड़े बहुत कैशबैक भी यहां पर अर्निंग कर पाओगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को पसंद आता है तो अपनी तरफ से एक लाइक कर देना। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस COVID-19 मतलब कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत सरकार जितने भी स्टेप ले रहा है, जितने भी एडवाइजरी जारी कर रहा है, अब सभी लोग उसका अच्छे से पालन करो। ये जो 21 दिन का लॉकडाउन हमारे लिए किया है उन्होंने, तो इसका अच्छे से सभी लोगों को पालन करना चाहिए। ठीक है, घर पर ही रहो, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलो, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए, हमारे लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे देश के लिए अच्छा होगा। क्योंकि COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस को अगर हराना है, जो कि इतना खतरनाक है आप सभी लोगों को पता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र रास्ता है। और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको घर पर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हो, लोगों से मिलते हो, तो कभी भी आप सोशल जितने भी आप कोशिश कर लो, सोशल डिस्टेंसिंग आप मतलब कि फॉलो कर ही नहीं सकते। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पर रहो, ये जो लॉकडाउन है 21 दिन का, उसे अच्छे से पालन करो, घर पर ही रहो। और दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया इस सिचुएशन को अभी तक अच्छे से कंट्रोल करके भी रखा है, और उसका रीज़न ये है कि शुरू में ही जब ये फैल रहा था, तभी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इससे अच्छे से अपना सीरियसनेस दिखाया, अच्छे से स्टेप फॉलो किया। क्योंकि अगर आप बाकी जितने भी डेवलप कंट्री देखोगे, चाहे आप इटली की अभी बात करो, ईरान की बात करो, स्पेन की बात करो, उन लोगों का हालत क्या है आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोग न्यूज़ देख रहे हो। ठीक है, अभी भी इटली में डेली 750 से लेकर 800 लोग डेली मर रहे हैं, और जो अमेरिका कुछ दिन पहले इसको मतलब कि हल्के में लिया था, अभी उनका भी हालत बहुत ख़राब हो चुका है। अभी अमेरिका पे डेली लगभग 250 लोग मर रहे हैं, और उस हिसाब से हमारे इंडिया जो 133 करोड़ का देश है, वो अभी तक इस सिचुएशन को हम लोग अच्छे से कंट्रोल करके रखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी कदम उठा रहे हैं, जो भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर रहा है WHO की तरफ से, अब सभी लोग उसे अच्छे से फॉलो करो, और इस लॉकडाउन में घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलो, घर पे रहो या मतलब कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कोई भी क्रिएटिव चीज़ें करो, सोशल मीडिया आपके पास जितने भी प्लेटफॉर्म पर उसका यूज़ करो, उसी के साथ अपना हेल्थ, अपना हाइजीन के ऊपर भी ध्यान दो, और दोस्तों घर पर ही रहो, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र रास्ता है इस वायरस को हराने के लिए। और अगर हम लोग सब लोग मिलजुल कर अपना जो ड्यूटी है उसे अच्छे से फॉलो करेंगे, उसको पालन करेंगे, तो दोस्तों ये जो हमने जंग छेड़ा है कोरोना वायरस के खिलाफ, उसे ज़रूर जीतेंगे। और उसी के साथ दोस्तों घर में रहते हुए आप सभी लोग क्या कर रहे हो, वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग दिन को कैसे गुजार रहे हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑफर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला ऑफर है पेपल और जिंगो की तरफ से। देखिए दोस्तों, जिंगो एप्लीकेशन पे बहुत दिन से एक ऑफर चले आ रही है, जिसके तहत अगर आप कोई भी एक पेपल का न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो और उसके बाद जिंगो में फर्स्ट 10 ट्रांजेक्शन करते हो उस पेपल अकाउंट से, तो आप लोगों को 50% के हिसाब से आप 300 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा आपके पेपल अकाउंट पर। और क्योंकि जिंगो में आप लोगों को अमेजन, पेटीएम का गिफ्ट वाउचर मिलते हैं, तो इस ऑफर को अप्लाई करके आप लोग 300 से लेकर 500 रुपीज़ तक का प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि एक डेबिट कार्ड जो होता है वो आप 2 पेपल अकाउंट पर यूज़ कर सकते हो। तो ऑफर को आप लोग देख लीजिए, ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो अप्लाई कर लेना, और इस ऑफर में जो भी प्रॉब्लम आएगा वो भी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं करना क्या होगा। सबसे पहले तो इसके लिए आप लोगों को एक पेपल का न्यू फ्रेश अकाउंट बनाना है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा जीमेल आईडी है जिसमें आपने पेपल अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया है, तो उस जीमेल आईडी को देकर पेपल का एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो। और पेपल का न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है आप सभी लोगों को पता होगा, आप गूगल पे जाओ, paypal.in सर्च करो, इसके बाद दोस्तों आप मतलब कि साइनअप करो, साइनअप करते टाइम अपना जीमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कुछ बेसिक चीज़ें आपको डालना है, सबमिट करना है, एंड पे आप लोगों को एक कार्ड डालने के लिए बोला जाएगा, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप लोगों को कोई फिजिकल बैंक का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड ही डालना होगा, और बता दूं कि आप वीज़ा या पर मास्टर कार्ड ही डालना। यहाँ पर काफ़ी लोग ये बता रहे हैं कि रुपे कार्ड से कैशबैक मिलेगा या नहीं। देखिए दोस्तों, रुपे कार्ड से कभी कभी कैशबैक मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रुपे कार्ड से ही इस ऑफर को अप्लाई किया है, जो कि बैंक ऑफ इंडिया का था, तो मुझे कैशबैक मिला है। काफ़ी लोग जीमेल करके बता रहे हैं कि मैंने SBI का रुपे कार्ड यूज़ किया तो मुझे कैशबैक नहीं मिला। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो सब छोड़िए, आप कोई वीज़ा या पर मास्टर्ड कार्ड ही यहाँ पर डालना। ठीक है, तो सिंपली आप कार्ड डिटेल्स डाल दो और उसके बाद उसे ऐड पे क्लिक करो, तो ये कार्ड आपके पेपल अकाउंट पे ऐड हो जाएगा, आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, बिल्कुल सेम जीमेल आईडी से आपको एक जिंगो का न्यू अकाउंट क्रिएट करना है।
तो बहुत सिंपल है, आप जिंगवे का उसी जीमेल आईडी से एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना और अपना जीमेल आईडी को वेरीफाई भी कर लेना। वेरीफाई करने के बाद आप जिंगवे एप्लीकेशन को ओपन करना। इसके बाद ये जो ऑफर का बैनर है आप सिंपली इस पर क्लिक करो तो आपके पास काफ़ी सारा गिफ्ट कार्ड आ जाएगा। उसमें से कोई भी गिफ्ट कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो, अमेजन या पर पेटीएम। अगर आप पेटीएम लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि पेटीएम बैलेंस को आप फिर से बैंक पर ट्रांसफर कर पाओगे। तो मैं पेटीएम ही लूँगा। तो 50% के हिसाब से आपको 300 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, इसलिए टोटल 600 रुपीज़ का पेटीएम गिफ्ट वाउचर आप ले लो। इसके बाद यहाँ पर आपको जिंगो में एक मोबाइल नंबर भी डालना होगा और उसे वेरीफाई भी करना होगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर डाल के उसे वेरीफाई कर लो और उसके बाद दोस्तों आपको लेके जाएगा पेमेंट पेज पे। पेमेंट पेज पे जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे पेपल का ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए, नीचे आपको ऑफर भी शो हो जाएगा। तो पेपल का ऑप्शन सिलेक्ट करो, सबमिट करो, अपने पेपल अकाउंट पर लॉग इन हो जाओ। लॉग इन होने के बाद आप अपने जो भी डेबिट कार्ड यहाँ पर ऐड किया है उस कार्ड से पेमेंट कर दो। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है इसके बाद आपको जिंगो एप्लीकेशन पे ये 600 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा और उसी के साथ पेपल की तरफ से आप लोगों को ये 300 रुपीज़ का कैशबैक भी मिल जाएगा इंस्टेंट आपके जीमेल आईडी पे, ठीक है। आप जीमेल पे जाके चेक कर लेना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो जिंगो का आपको गिफ्ट कार्ड मिलता है, क्योंकि देखिए जिंगो पे अभी ट्रैफिक बहुत है, तो इसीलिए अगर आप पेटीएम का गिफ्ट कार्ड बाय करते हो तो वो आप लोगों को 3 वर्किंग डेज के अंदर मिलेगा। अगर आप आज बाय करते हो तो 3 दिन के अंदर आप लोगों को गिफ्ट कार्ड मिलेगा, ठीक है। जिंगो पे आप माई ऑर्डर पर जाना, ये कार्ड आपको शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको कोड मिलेगा, उस कोड को यूज करके आप लोग पेटीएम वॉलेट पे जाना और इस पैसे को आप ऐड कर सकते हो अपने पेटीएम वॉलेट पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो 300 रुपीज़ का आपको कैशबैक मिला है उसे देकर भी आप गिफ्ट कार्ड परचेज कर लो। तो बिल्कुल उसी टाइम से आप फिर से जिंगो पे जाओ, 300 रुपीज़ का एक बार गिफ्ट कार्ड सिलेक्ट करो पेटीएम का और उसके बाद दोस्तों सबमिट करो और उसी पेपल अकाउंट पे पेमेंट कर दो। पेमेंट करते टाइम ये 300 रुपीज़ का जो गिफ्ट वाउचर है वो ऐड हो जाएगा। और क्योंकि पेटीएम गिफ्ट कार्ड बाय करने के लिए मतलब कि 5% के हिसाब से चार्ज लगता है, कुछ चार्ज लगता है, तो 15 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए बोला जाएगा। तो वो भी आप उसी गिफ्ट कार्ड से पेमेंट कर दो। बस आपका टोटल 900 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड परचेस करना हो चुका है जिंगो पे। अब दोस्तों ये फुल प्रोसेस करने के बाद आपको करना क्या होगा, एक पेपल अकाउंट से आपने इस ऑफर को तो अप्लाई कर लिया, इसके बाद उस पेपल अकाउंट पे आप फिर से लॉग इन हो जाओ। लॉग इन होने के बाद ये जो आपका डेबिट कार्ड है पेपल अकाउंट पे उसे आप रिमूव कर दो। तो रिमूव करने के लिए सिंपली आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना, तो आपको एक रिमूव का मतलब रिमूव नाउ का एक बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप कार्ड को रिमूव कर दो, ठीक है। अब दोस्तों इसी कार्ड को आप कोई न्यू पेपल अकाउंट बनाकर, न्यू जिंगो अकाउंट बनाकर सेम प्रोसेस से ऑफर को लूट सकते हो। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक के कारण पेपल अकाउंट पे ये कार्ड दोबारा अभी ऐड नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है अभी, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट भी करता रहूँगा। जब सॉल्व हो जाएगा तो आप फिर से न्यू पेपल अकाउंट बना के उसी डेबिट कार्ड से, न्यू जिंगो अकाउंट से आप ऑफर को अप्लाई कर सकते हो। तो 300-300 करके आप टोटल 600 रुपीज़ का कैशबैक अर्निंग कर सकते हो एक डेबिट कार्ड से, वीजा या पर मास्टर कार्ड से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और ऑफर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑफर गूगल पे की तरफ से, देखिए दोस्तों काफ़ी सारे अकाउंट पर गूगल पे ने एक रिचार्ज ऑफर दिया है कुछ इस टाइप से। गूगल पे के ऑफर वाले सेक्शन पर जाकर आप देख सकते हो कि आपको 1000 रुपीज़ कैशबैक ऑफर, सिंपल सा है। देखिए इस ऑफर में आप लोगों को एक बार मोबाइल रिचार्ज और एक बार डीटीएच रिचार्ज करना है। फर्स्ट टाइम आप कौन सी रिचार्ज करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। मिनिमम 149 या पर उससे ज़्यादा का आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर आप पहली बार 148 या पर उससे ज़्यादा का मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा जो कि लॉक्ड होगा। इसके बाद सेकंड टाइम अगर आप पहली बार मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो तो सेकंड टाइम आप लोगों को डीटीएच रिचार्ज करना पड़ेगा 148 या पर उससे ज़्यादा का। तो उसके लिए आप लोगों को ये जो लॉक्ड स्क्रैच कार्ड है वो अनलॉक हो जाएगा और उसमें आप लोगों को 10 से लेकर आपको 1000 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। तो ये है सिंपल सा ऑफर। अगर आपको रिचार्ज यहाँ पर करने की जरूरत पड़े तो गूगल पे के इस ऑफर को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अपना लक ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों यही था कुछ ऑफर, कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है अपनी तरफ से एक लाइक कर देना और अभी वीडियो कम आएगा लेकिन अगर कोई अच्छा ऑफर आता है तो वीडियो मिलता रहेगा, वो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।